अब देखते हैं यूपी चुनावों पर हमारी खास पेशकश फैसला कुर्सी का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह पर एक पत्रकार को जिंदा जला देने की धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने स्थानीय पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में स्थानीय पत्रकार ने केस दर्ज कराया है। आरोपों के मुताबिक राधेश्याम सिंह ने पत्रकार मनोज गिरी को फोन कर गाली गलौज की और जिंदा जला देने की धमकी दी। राधेश्याम सिंह कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इसी सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार भी हैं। हम जब उनके नाम नहीं लेते हैं तो क्यों नाम कहें नहीं? नंबर एक बात आप ये बताएं, पास दुकानियां पेट्रोल लगा के फूक दे, अगर भेज रहा है शाम सिंह के नाम या ले तो सही से फूक भी हो जान लिया चले, पत्रकारिता तो ठीक बा पत्रकार मंगल बड़ा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि काम बोलता है, लेकिन मामला उलट है। यहाँ उनके मंत्री की जुबान बोल रही है, एक पत्रकार को धमकी दी जा रही है। दुकानियाँ पेट्रोल लगा के फूक दे, अगर भेज रहा है शाम सिंह के नाम या ले तो सही से फूक भी हो जान लिया पत्रकारिता तो ठीक बा पत्रकार मंगल बड़ा। धमकी भरी ये जुबान है अखिलेश मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह की। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। यूपी के राज्य मंत्री हैं राधेश्याम सिंह और एक बार फिर से माननीय बनने की रेस में हैं। जगह जगह घूमकर ये इलाके में वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने जरा भी मुखालफत की तो फिर उसकी खैर नहीं। राधेश्याम सिंह नहीं नाव नाव का जब हम क्यों नाव कहे चलो। मंत्री जी एक पत्रकार से फोन पर बात कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार ने बातों बातों में जरा भी हामी भरने से इनकार कर दिया तो मंत्री राधेश्याम सिंह भड़क गए। काम बोलता है की जगह जबान बोलती है पर आ गए। फिर शुरू हो गया गालियों और धमकियों की बौछार का सिलसिला। पिस्तौल में बैठ के बतलाओ चलो जी, अगर असली बाप के बेटा हो खेलो तो आपके ऑफिस में ही लोग 4 तारीख के 5 बजे बक्सा बंद भाई लगे 5:15 में बतला। इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, नहीं कोई नहीं सकता हूँ तो फिर घमंड बाकी हम पत्रकार मानेंगे, उनके घमंड बाकी हम पढ़ ऐसा नहीं मंत्री जी, हमको कोई घमंड नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। जिंदा जला देने की धमकी के साथ बात बात पर गाली। मंत्री जी आपे से बाहर हो गए और पत्रकार को धमकाने लगे। गिरी बाबा जी तू नवे रुकले बा जी जी, नहीं तो लोग इनके धो ले कि हम अब उनके घर में से अब बताइए कि तरह हम राधेश्याम सिंह का हमें। पत्रकार चुपचाप माननीय राधेश्याम सिंह की बात सुनता रहा। करीब 10 मिनट की बातचीत में कई बार पत्रकार को धमकी दी गई। वो चाह ये रहे हैं कि जो पत्रकार हों या जो भी लोग हों वो उनके कार्यकर्ता बन के कार्य करें, और जो उनका कार्यकर्ता बन के कार्य नहीं करेगा उसको वो जान से मारने की धमकी से लेकर के और फर्जी मुकदमे में फंसाने तक की धमकी दे रहे हैं। नेताओं के बिगड़े बोल का ये मामला यूपी के कुशीनगर का है। सीएम अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया है, लेकिन उनके दावे की पोल खोलने में उनके नेता और मंत्री ही लगे हुए हैं। उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह पर पत्रकार से गाली गलौज और जिंदा जला देने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस मामले में पत्रकार ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। तुम्हारे जो मित्र ग्राम प्रधान हैं वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, और वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और तुम भी हमारा समर्थन नहीं कर रहे हो, और 4 तारीख को मैं सिर्फ इलेक्शन बीत जाने का इंतजार कर रहा हूँ, 4 तारीख को 5 बजे जैसे ईवीएम बंद होगा वैसे ही मैं आऊँगा और तुम्हारे ऑफिस में पेट्रोल डाल के तुम्हारे सहित तुमको फूंक दूंगा। तुम बहुत बड़े पत्रकार बनते हो, अगर ये घमंड है तो राधेश्याम सिंह क्या नाम है ये भी तुम जान जाना। कुशीनगर की हाटा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक राधेश्याम सिंह पर ही गाली गलौज का आरोप लगा है। पत्रकार मनोज गिरी ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव प्रचार में लगे राधेश्याम सिंह ने उनके पक्ष में वोट देने के लिए उनसे लोगों पर दबाव बनवाना चाहा। इसी को लेकर उन्होंने फोन पर धमकी दी और दबाव बनाने की कोशिश की।
उन्होंने एक आकर एप्लीकेशन दिया है जिसमें इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं, वो मेरे द्वारा इस संदर्भ में जांच का आदेश किया गया है। जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह पर गाली गलौज और धमकाने के आरोप लगे हैं। पहले भी उनके खिलाफ इस तरह के केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राधेश्याम सिंह कुशीनगर की हाटा विधानसभा से एसपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि आरोपों पर राधेश्याम सिंह की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उदय सिंह, इंडिया टीवी, कुशीनगर।